ममता उग्र बयान नेला पांच जीवन निर्वाचन हिंसा पाई ममता दायी कले साहा कूच बिहार हिंसा दीदी भाषण परिणाम कूच बिहार उपरे आर पार लड़ाई नागरिकों मृत्यु उपरे ममता राजनीतिक खेल मृत्यु परे भी ममता तुष्टिकरण एवं भोटर राजनीति प्रथम उत्तेजनापूर्ण भाषण पर निर्वाचन कमिशन उपरकू अंगुली निर्देश मे दुई रे हिंसा उपरे भ्रम प्रचार राजनीति शेष चतुर्थ पर्याय मतदान समय बेंगल कूच बिहार निर्वाचन हिंसा रे पांच जन मृत्यु पर ममता बनर्जी को टार्गेट करी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह निर्वाचन हिंसा पर ममता दायी करी शाह ममता पूर्व बयान पर कूच बिहार हिंसाकांड घटला बोली शाह कहते किसी दिन पूर्वे दीदी सीआरपीएफ जवान मान को घेरी तांकर आक्रमण करने को कहते कूच बिहार घटना से भाषण परिणाम बोली अमित शाह कहते ममता केवल चारिजण को श्रद्धाजलि देता बेले आनंद बर्मन को श्रद्धाजलि देना ममता दीदी मृत्यु तुष्टिकरण एवं भोट राजनीति करमता निज राजनीति केते तौक खसुचार यह तार उदाहरण बोली शाह बंगाल का परंपरा नहीं है बंगाल की संस्कृति नहीं और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो चार लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो चार युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है, जो पांचवा युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करें और बंगाल की जनता को इसके लिए ये जो उन्होंने भाषण किया था इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगी। सबरे बंगाल रे पंचम पर्याय मतदान पई प्रचार जोर धरिछि। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह शांतिपुरा दक्षिण रणघाट दक्षिण बसीरथ पाणीहाती निर्वाचन मंडली रे प्रचार करछन्ति। शाहक राली को नहीं कर्मी मध्यरे बेस उत्साह देखा मिलता विशाल रोड शो जरिया दलय प्रार्थी भोट मागिछन्ति शाह। सेपटे राज्य में टीएमसी सरकार उपरे बर्षिछन्ति स्थानीय लोके। कोरोना काल में केन्द्र सरकार लोकों सहायता देता बेले राज्य सरकार बिजुली बोझ देइछन्ति बोली अभियोग होइछि। यहसो राज्यवासी मौलिक सुविधा वंचित थिबा कथा लोके अभियोग करिछन्ति। এই করোনাতে আমরা নরেন্দ্র মোদী কাছে লকডাউন সময় উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাস তিন মাস ফ্রি পেয়েছি, প্রত্যেকটা মহিলা পাঁচশো টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দিদি মমতা ব্যানার্জি ইলেকট্রিক বিল মুকুব করার কথা ছিল, একটা বিল মুকুব করেনি, উল্টো যার দু হাজার টাকা বিল আসে তার সাড়ে চার হাজার টাকা বিল আসছে। সুতরাং এই মমতা ব্যানার্জি আমরা চাই না, তাই আমরা এবার আমরা চাই বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হবে, পরিবর্তন চাই। আল্লাহ পশ্চিমবঙ্গে চারোটি পর্যায়ে মতদান শেষ হয়েছে। এপ্রিল সতেরে পঞ্চম পর্যায়ে সর্বাধিক পঁয়তাল্লিশটি আসন পাই ভোট হব। ব্যুরো ইনপুট সহ পশ্চিমবঙ্গ প্রদীপ্ত মহাপাত্র রিপোর্ট, আরগস নিউজ।